बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आज महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता का एक वीडियो शेयर किया है। दावा किया गया कि इस वीडियो में कांग्रेस नेता नसीम खान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। वीडियो शेयर कर संबित पात्रा ने लिखा, सोशल मीडिया में लोगों का कहना है कि ये व्यक्ति कांग्रेस का नेता नसीम खान है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और मोदी जी को चैलेंज कर रहा है। दोस्तों प्लीज इस पर फैक्ट चेक करके मुझे बताएं। क्या कहने नसीम साहब, वाह वाह। अगर हिम्मत है मोदी जी के अंदर, राजनाथ ने अगर अपनी मां का दूध पिया है तो देशद्रोह का मुकदमा चला के दिखा। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहने नसीम साहब, वाह वाह। अगर हिम्मत है मोदी जी के अंदर, राजनाथ ने अगर अपनी मां का दूध पिया है तो देशद्रोह का मुकदमा चला के दिखा। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहने नसीम साहब, वाह वाह। अगर हिम्मत है मोदी जी के अंदर, राजनाथ ने अगर अपनी मां का दूध पिया है तो देशद्रोह का मुकदमा चला के दिखा। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहने नसीम साहब। तो आपने ये सुना नसीम खान का बयान, आप क्या लिखा है आप सुनिए। क्या कोई मेरे लिए इस वीडियो की सत्यता ढूंढेगा? सोशल मीडिया में लोगों का कहना है कि ये व्यक्ति कांग्रेस का नेता नसीम खान है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और मोदी जी को चैलेंज कर रहा है। दोस्तों प्लीज इस पर फैक्ट चेक करके मुझे आप बताएं। तो संबित पात्रा ने ये वीडियो ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं उसको देखें और ये बताएं क्या ये सच है कि जो नेता इसमें नजर आ रहा है उसका नाम नसीम खान है, कांग्रेस का नेता है और ये नेता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को चैलेंज कर रहा है। तो संबित पात्रा ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और साथ ही साथ बखूबी उन्होंने लोगों से पूछा है, जरा उन्हें बताया जाए कि ये वीडियो की सत्यता क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। क्या ये वाकई में कांग्रेस के नेता नसीम खान है जो ये कह रहे हैं सरेआम लोगों के बीच, हजारों लोगों के बीच, कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं और नाम आ रहा है नसीम खान, कांग्रेस के नेता है। ये वीडियो 2016 का बताया जा रहा है, श्री श्री रविशंकर की बात वो कर रहे हैं। तो आप देखना होगा कि इस पर क्या टिप्पणी आती है कांग्रेस की ओर से। वायरल वीडियो को एडिट किया गया है ये भी दिख रहा है साफ। कांग्रेस नेता नसीम खान पर गलत आरोप लगाया गया है, ये हमारी पड़ताल कहती है, हमने जो पड़ताल किया उसके तहत हम आपको चीजें बता रहे हैं कि नसीम खान का ये वीडियो पुराना है, 2016 का है। हालांकि आपको बता दें कि इंडिया टीवी की पड़ताल में पता चला है कि इस वीडियो को एडिट किया गया है। वीडियो में कांग्रेस नेता नसीम खान जरूर है लेकिन उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए हैं। इंडिया टीवी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये वीडियो 2016 का है जब मुंबई में एक मुशायरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस दौरान नसीम खान श्री श्री रविशंकर का जिक्र कर रहे थे। ओरिजिनल वीडियो में नसीम खान ने कहा था कि यमुना के किनारे दिल्ली में श्री श्री रविशंकर ने पाकिस्तान जिंदाबाद लगाया था, नारा लगाया था, वो भी राजनाथ सिंह की मौजूदगी में।